अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, मेरा फार्म कैसे बच गया और क्या हादसा हुआ है मेरे फार्म पे। तो बर्फ़ भी पड़ी है, शुक्र अल्लाह का, अच्छी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ से 4 से 6 इंच तक बर्फ़ रात को पड़ी है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये गले हो फिलहाल, ये फरवरी का महीना है, जितनी भी बर्फ़ पड़ेगी वो टाइम नहीं निकलेगा, यूं ही धूप निकलेगी मतलब बर्फ गलना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह योर पे 5-6 जंगलन मज फुट डोड फुट ज फुट पेमुत सुच वस पोशान शीन खोस इंतजार सारे कश्मीर मेरकन लुकन सारे कशीर उस इंतजार शीन कर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शीन तो वो शीन तो पे अमि खत कुजा कूता पेवान सो तो पानस त पता कूता पेवान योर पे 5 टू 6 तो हेकू कमेंट बॉक्स में लेखित कथ एरियास कूता शीन पे। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ से हमारा फार्म मतलब जलने से बच गया। तो देखिए ये क्लिप, ये जो आप दोस्तों ये प्लग देख रहे हैं ना, एक स्विच की वजह से सारी तार जल गई, एक स्विच में शॉर्ट था। ये हमने नई तार डाली है, इसको यहाँ से शॉर्ट जा रहा था। ये जो इससे पहले तार डाली थी हमने वो सब जल चुकी है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो आप निशान देख रहे हो यहाँ पे भी बोर्ड जल गया था, ये जो निशान देख रहे हो यहाँ पे भी बोर्ड जल गया था। फिर हमने ये MCB लगाया है, शॉर्ट अगर हो भी जाएगा तो ये रुकेगा। और मजीद मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन सी कहाँ से तार जल गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये जल गई थी, तो यहाँ पे पूरा जोड़ आ रहा था, देखो निशान लग गए हैं। इतना खतरनाक शॉर्ट हुआ, क्या बताऊँ आप लोगों को दोस्तों। तत पे अगर नी तन अगर नी कमजोर आ तन दल तो तेल ग उल्ट शॉर्ट, यह कार यह तार तारन आम खुदा सुन शुक्र तार तन पे दिजम तो योर गो शॉर्ट कमजोर। तो इस तार त्रे सो सारे कारण वह तार मेन पे त्रे सो कर सिंगल तो पत् व्या लंड तम ची। तो अलहमदिल्ला हमारा फार्म बाल बाल चुज, आपने देखा कहाँ से क्या जल गया था, मतलब तार तो तथा तथ कस बन आमुत तो सो कह कारन आम बहु तो तार तारि क्या गुमत। दोस्तों ये कनेक्शन ना वा यह वस योतन तम ये सिंगल तार पेटकन अन यह डायरेक्ट गसान यन मैं तुम हूँ हूँ थम्बस पे तन जोड़ अत ना वह कम ओर अन तार तो योर इस मेन जोड़ सो रोलो ये शड नश दूर तो ये पे नी अड एम एम तार अत पे नी कनेक्शन अलग अलग। तो यह तार वा यह बराबर ये पे मेन वालित हो हम सड़क पे हम सड़क पे अत पे दजम। ये देख लीजिए दोस्तों उस तार अतन जोड़स पे गुत अत कर पे यहाँ पे हमें जोड़ निकल रहे थे, देखो ये कितनी जल गई है। और ये देख लीजिए ये तार द्राम अंदर सारे कारन आम मे वन थम रोल कर, ये देख लीजिए ये भी जल चुकी थी, उस पुल पे तार नेरा सारे दजम। उसको पता होता है जिसके सामने होता है, इस मतलब मे थी गई शॉर्ट, यह पता यह शॉर्ट कित खतरनाक हो सो तार कह दज तो क्या गो तार। तो उस दिन रात भर हमें यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो अगले दिन फिर हमने MCB लाया, नई तार लाई, तो जो हमने यहाँ से नया कनेक्शन जोड़ दिया। तो हमेशा ख्याल रखे, अगर आपको फिटिंग करनी है वायर डालनी है तो MCB ज़रूरी लगाना है। हमने सोचा था कि पूरी फिटिंग जब हम करेंगे उसी टाइम हम ये MCB लगाएंगे, तो उससे पहले ही लगाना पड़ा, शुक्र अल्लाह का फार्म बच गया। तो और दूसरी बात करूंगा मैं आपके साथ, मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम आ गया। दोस्तों बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, तो फिर फीडिंग का टाइम पहुंच गया था, तो मैंने फिर फीडिंग स्टार्ट कर ली। तो फीडिंग करते करते यहाँ तक पहुंच गया मैं, शाम होने वाली है। तो ये देख सकते हो मैंने मेरे पीछे मैंने ये तपाल लगाया है, क्योंकि बर्फ़ आ रही थी तो ये गीला हो गया था यहाँ से, तो अब मैंने मजबूरन में ये तपाल लगाई ताकि बर्फ़ ना आए, जूता बच सके। तो फिलहाल ही गुजारा कर सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ लास्ट में आप लोगों को। अब वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, वॉच करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आए। तो आपको मैं लास्ट में दिखाता हूँ स्टार्ट क्या हो गई फिर से रात के लिए बर्फ स्टार्ट, आप देख सकते हो। ये देख लीजिए दोस्तों बर्फ स्टार्ट हो गई है,
फिर से शाम रात के लिए बहुत जोर से बर्फ पड़ रही है जोरों शोर से। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको अब दूसरे मतलब जो मैं इसके बाद वीडियो चढ़ाऊंगा वो होगा फीडिंग हमारी कितने में आई, जो हमने शिप्स के लिए फीड लाई विंटर के लिए, तो वो ऑलमोस्ट कास्ट उसका क्या आया वो होगा दूसरा वीडियो। तीसरा वीडियो इंशाल्लाह होगा, देखेंगे किस पे होगा। अपनी लाइफ स्टोरी बोलूँगा, मैंने 3 साल इसमें गुजारे तो कैसा रहा, पहले कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, वो आप लोगों को का साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को सिर्फ अपने वीडियो को मेरे वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि आप लोगों को वीडियो पहुंचती रहे। और मजीद ये बोलना चाहता हूँ ताकि मेहरबानी करके वीडियो को फुल वॉच करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको दोस्तों फार्म बनाना ही है तो बिजली का स्टव ऐसा बनाए शॉर्ट ना हो जाए पूरा बंदोबस्त करके, क्योंकि ये लकड़ी का सिस्टम होता है, कोई कंक्रीट का भी बनाता है वो सुझ हेर तल तालव लागान तालवस पे पत घास बनान तम करू कहीं तालवस पे करू घास वास कहीं, तिकाज रबुल आलमीन कर सारे हिफाजत। यह मतलब खर शर हो सकता बनान तुत करू सिस्टम युत मतलब प्रॉब्लम गए पगह हमेशा खुदा दिमाग दुमुत मे कर ओत फिटिंग पत्म लटि अस दुप लगो एम सी बी बाबत तौर पर फिटिंग ये कम्प्लीट गए मतलब दिमागस मे थोमुत तो तमें ब्रोह गो यह शाट अचानक पाए ना स्विच गो खराब स्विचस करे मैं थोड़ा बहुत सेटिंग सू गो खराब तो तार जज तम सर तुम वो निशान क्या क्या आ कप गई खुदा कौर रहम तो मेन पे दस तार तवे सब वन फिटिंग करू तथ कहीं अलहमदिल्ला। तो बाकी